है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। अब हमें ये पूछना है, हमें मुर्गा नहीं, हमें मुर्गा नहीं। मुर्गा जो बनता है वह अपनी पहचान खो देता है। दर्पण में वह अपने रूप को देख करके भी दूसरे को ही वह मान रहा है, अपनी पहचान नहीं होने के कारण मुर्गी की दशा और हम तुम सब लोगों की दशा एक ही चीज है। अपनी पहचान, अपना एड्रेस, अपना ड्रेस, ये क्या क्या करता था नहीं, और वह अनंत काल हो सड़क पर चलते हैं, सड़क पर कहीं किसी की भी पहचान नहीं हो पाती। बोर्ड लगा दो सड़क पर, नहीं दूसरे 5 मिनट के भीतर वहां से उखाड़ करके और अपने अपने दुकान पर बोर्ड लगे रहते हैं, लेकिन नहीं देखे। नीचे देखो तो पथ है और ऊपर देखो तो विपथ है। मेरा तेरा हो रहा है, प्रभु ऊपर न देख करके नीचे देखते देखते गए हैं और पीछे वालों को भी यही कहा है कि मैं जैसे नीचे देख करके जा रहा हूँ उसी प्रकार यहाँ से पार हो जाना, नहीं तो बंद हो जाओ। रास्ता चलने के लिए है, जो चलने वाले व्यक्ति हो तो आप लोग अपने बोर्ड लगा करके रोकते नहीं, रोकते महाराज। उनको कोई आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति के लिए हम संकेत देते हैं, तुम भटको नहीं, इधर आ जाओ तब मिल जाए। अब चूंकि प्रत्येक दुकानदार अपने अपने बोर्ड लगा रहे हैं, सब लोग इधर आओ इधर आओ इधर आओ किधर जा बताओ, बड़ा कठिन है। सब लोग अपनी पहचान बता देते तो पथ बहुत सीधा है। कल की बात थी तो जिस रास्ते से लेकर गए थे हमें महाराज उधर से भी कहना ठीक है चल। अब लौटते समय हमारे जिधर जाएंगे सीधा रहता, हाँ सीधा सीधा फिर महाराज सुन लो नहीं कुछ नहीं, 90 कल जो होता है 90 उसका पूर्ण, उसमें शॉर्ट कट और लॉन्ग कट नहीं होता करता है, ये तो नहीं सीधे रास्ता चले जाओ फिर बात मर जाओ सब काम हो जाए। महाराज कल शाम को तो आए और आज हमें रास्ता बता है। गणित से चलो सब रास्ता अपने आप ही पूरे रास्ते को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्रुव जो रहता है उसको ठान लिया जाता है किस दिशा में होता है और वो रास्ता फिर इसके उपरांत अपने आप ही व्यवस्थित, यदि कोई शहर बस जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार से भटकन नहीं हुआ है। नब्बे अनुसार कोल को लेकर के चलो सभी मोहल्ले तक जाते हैं और सीधे सीधे से बाहर भी हो जाते हैं।
अब यह वस्तुतः हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुर्गा दर्पण को देखा, दर्पण में देखा, लेकिन अपनी पहचान नहीं होने के कारण अपने ऊपर ही मार करता चला गया और समझता था कि मैं जो सामने खड़ा उसके ऊपर अच्छी प्रहार कर रहा हूं, अच्छी प्रहार कर रहा हूं। जब वह अंतिम प्रहार के साथ गिर जाता है उसके समय, उस समय वह मुर्गा देखता दर्पण में सामने वाला भी गिर गया। अंत अंत तक उसे बोध नहीं हुआ कि सामने वाला कोई व्यक्ति अपनी ही परछाई है, लेकिन मोह छाया है, इसलिए परछाई वह पर जैसी लग रही है, अपनी जैसी नहीं लग रही। हर पल आत्मा की उसमें आत्मा की अनुभूति, हर पल मैं हूं ऐसा एहसास होता है। संवेदन से रहित कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, किंतु उस संवेदन में अपने आत्मा की अनुभूति संवेदन न होकर के फलाना चंद की अनुभूति होती है, ये एक बहुत बुरी बुरी दशा है। अपनी पहचान पड़ता है संसार में, परछाई किसकी है यह भी पहचान होना आवश्यक। परछाई कहां जाता है, इसी शरीर में रह करके भी इस शरीर के एक एक कणों का अध्ययन होने के उपरांत भी आज विज्ञान हैरान है। उसकी खोज अभी चालू तक नहीं हो पाई। काया कुल 3.5 हाथ की है। अरबों की संख्या और बहुत सारे लाखों की संख्या में डॉक्टर लोग लगे हुए हैं, वैद्य लोग, हकीम लोग लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के साधन शोध खोज हो चुके हैं, लेकिन किसी में रहने वाला वह आत्मतत्व कहाँ है यह मुर्गा मन से कभी भी ध्यान में नहीं आएगा। वह मुर्गा प्रत्येक दिन ऐसे बिल्कुल टाइम टू टाइम बोलता और आप लोगों को उठाता, आज तक उस मुर्गे की आवाज सुनते सुनते हुए भी आप लोग टाइम टेबल के पक्के नहीं हुए और वो मुर्गा दूसरे के लिए उठाता है स्वयं उठ नहीं पा रहा। दिशा और दिशा, दिशा खराब इसलिए है, दिशा ठीक नहीं। हम दिशा को सुधारना चाहते हैं, दिशा को सुधार, हम दिशा को इसलिए सुधार सकते हैं, दिशा उसी के ऊपर आधारित है, सुधर जाए। दर्पण में देख करके भी उसको क्या पहचान नहीं पाया। प्रभु को देखने के उपरांत भी आपको यदि आत्मा की ओर दृष्टि देखी जाती है तो मुर्गी की दिशा और आपकी दिशा में कोई अंतर नहीं। सज्जन ने पूछा, महाराज ये जो बड़ी प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान की, पहले सिंह वगैरह नहीं देखने में आए थे, आप ये तो दूसरा विज्ञान के माध्यम से देखो तो भगवान तो हमारे सारे सारे वीतरागी होते हैं। महाराज ये छोटे भगवान हैं और ये बड़े भगवान हैं, यहाँ तक तो फिर भी काया के अभी जैसे ठीक है, यहाँ तक तो हम सम्मत हैं,
अपने अपने दृष्टि से किसी ने इस प्रकार प्रसाद दी, इस प्रकार ये ठीक है, लेकिन महाराज ये हमारे भगवान है, यहाँ हमें समझ में नहीं आता, आपको अरे भगवान ये आपने खरीदा या अपने ही घर में से भगवान बन गए, वो हमारे भगवान है, मतलब क्या, मतलब पूछना चाह रहा हूँ, कम से कम तो पता तो लगना चाहिए आपकी धारणा उदाहरणा क्या है, तो धारणा उदाहरण के माध्यम से पारना हुआ था ठीक, तो ये बताओ हमें ये हमारे भगवान तो आपकी भगवान आपकी भगवान है और आप इस प्रकार जो ये तो भारतवर्ष है, ये मौस की पूजा करता नहीं समझते, नहीं तो बरसता है, मौस की यदि पूजा नहीं होती है तो फिर बात गड़बड़ हो जाए, आप अपने एड्रेस को भगवान के साथ जोड़ करके कहना चाहते हो, सड़क पर चलने से पूर्व इसको क्या करो, लोग आपको क्या समझ रहे हैं, ये इनके यहाँ भगवान है, इनके भगवान है और भगवान को दुनिया मानती है और आपको नहीं मानती है, कुछ सोचिए विचार करिए, मुर्गे के सिर में एक ताज रहते ताज हम इसको ताज मुकुट कैसे है, मोर में भी रहती है लेकिन मुर्गे में रहती है, मुर्गी में नहीं रहती, उसी के माध्यम से वह किरीट पहन करके लड़ता तो गया उसी किरीट को वहीं पर समर्पित करके मौत के घाट उतर गया, मूढ़ था कि हद हो गए, अविवेक का यह अंतिम मतलब बॉर्डर है, हम क्या कहें, दुनिया को तो हम समझ लेंगे, सही सही सब कुछ अपनी पहचान सही तो कुछ भी नहीं। महाराज जी ने एक बार एक दोहा बोली थी, कल भी एक स्मरण आया तो आज दोहा एक स्मरण है, पढ़ वे पंडित ज्ञान हुआ अपार, पढ़ वे पंडित ज्ञान हुआ अपार, निज वस्तु की खबर नहीं सब नगटी का सुनता, थोड़ी पूछा महाराज नगटी का श्रृंगार क्या है, एक तरह से खोल लो, तो उन्होंने ये बताया कि श्रृंगार इसलिए किया जाता है जो अपने रूप में थोड़ी सी कमियां हो, ठीक है ये तो ठीक है सभी, लेकिन जिसके नाक ही नहीं है तो उसकी क्या श्रृंगार करे, इसीलिए तो ज्यादा श्रृंगार कर लेता है, नाक उसमें छुप जा, तो जो कुछ भी पढ़ लिया आत्मा की यदि खबर नहीं है तो उसका पढ़ना कोई भी सार्थक नहीं माना जाता, मुर्गी की दशा और उस प्रकार के व्यक्तियों की दशा में कोई अंतर नहीं है। इस चोले के बारे में, इस बारे ड्रेस के बारे में कितने आप मेहनत करके बुक के बुक भरे हुए रहते हैं, टेलीफोन के नंबर देखो कितने रहते हैं, मोबाइल के नंबर कितने रहते हैं, वो नंबर ऐसे नहीं बोलते, संख्या नहीं उसमें, टू 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 तो वो मोबाइल वालों को बता दे, एक संख्या कोई नहीं बोलता, डबल ट्रिपल ये आप लोग के हैं, जीरो जीरो आ जाते,
लगभग सत्ता को बताने के लिए एक कार बताते आपका एड्रेस है पता नहीं लग रहा, आप अपने एड्रेस तो बता रहे हैं, सही हो तो कोई उसमें कोई बाधा नहीं है, यदि सही नहीं है तो आप लोग कम से कम अपने एड्रेस सुधार लो ताकि हम आपके साथ अपने मोबाइल नंबर स्थापित कर सकें। हमारे वायरलेस चलती है हमारा, आप समझने का पुरुषार्थ करिए, ज्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। अहिंसा परमो धर्म की बोली समाधि परिणाम मंत्र मानस्य ममा।